एक सेंसेशनल क्रिमिनल गैंग जो हैदराबाद, साइबराबाद और राजकोंडा कमिश्नरेट में पिछले कई महीने से मोटरसाइकिल बाइक थेफ्ट करते थे, उनका गिरफ्तारी, उनको अरेस्ट किया गया। इस एंटायर ऑपरेशन में 77 बाइक्स, मोटरसाइकिल, इसका रिकवरी हुआ, जिसका टोटल कॉस्ट 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है। अभी तक इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक 36 केसेस का डिटेक्शन हुआ और 12 अक्यूज की गिरफ्तारी हुई। ये लोग तीनों कमिश्नरेट में, हैदराबाद, राजकोंडा और साइबराबाद, तीनों कमिश्नरेट में बाइक थेफ्ट करते थे। ये एक्चुअली इस पूरे ऑपरेशन का डिटेक्शन हमारे डीसीपी नॉर्थ जोन कलमेश्वर के लीडरशिप में उस समय शुरू हुआ जब ये क्राइम नंबर 121/20 जो कारखाना पुलिस स्टेशन में हुआ था, जिसके सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक 2 आदमी एक टीवीएस स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल की चोरी किए थे। उसके बाद पता चला इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि एक आदिल है जो मुशीराबाद का रहने वाला है, उसका इन्वॉल्वमेंट इस क्राइम में था। उसके इंट्रोगेशन के बाद से एक नया नाम मोहसिन सामने आया, जो कि मोटरसाइकिल ऑफेंडर पहले भी था और 6 मोटरसाइकिल ऑफेंसेस में इसके पहले वो अरेस्ट भी हो चुका था। और नाचाराम पुलिस स्टेशन उसको 31 मार्च को अरेस्ट की थी और बाद में 21 मई को वो जेल से बाहर आया। जेल से बाहर आने के बाद मोहसिन 5 नए एसोसिएट से मिलकर, जिसका नाम शोहेब, सैफ, हफीज, फैजान और सुभान है, ये लोग मिलकर 15 मोटरसाइकिल थेफ्ट किए, जो कि हैदराबाद, साइबराबाद, राजकोंडा कमिश्नरेट में हुआ। उसके बाद वो लोग कारखाना पुलिस स्टेशन में एक अब्दुल्ला, जो कि प्राइम रिसीवर है प्रॉपर्टी का, शास्त्रीपुरम और मैलार देवपल्ली, उसको बेचने का भी काम शुरू किए। उसके बाद सीसीटीवी के तहत आगे भी इन्वेस्टिगेशन चलता गया और नए नाम बाहर आए, जैसे अबोध, यासर अराफात, अब्दुल्ला, फारूक, अमीनुल्ला, ये लोग सब लगभग 15 व्हीकल ऑफ लगे। ये मोहसिन गैंग में जो लोग शामिल हैं उसमें मोहम्मद आदिल, मोहम्मद सैफ अहमद, मोहम्मद शोहेब इमरान, मोहम्मद ओवैस अली, मोहम्मद गौस, हसन बिन मोहम्मद, ये लोग सब लगभग 15 व्हीकल्स जिसकी कीमत 25 लाख, तुकाराम गेट पुलिस स्टेशन, मारेडपल्ली पुलिस स्टेशन, बोरिनपल्ली, मुशीराबाद, एसआर नगर, अलवाल, उपल, राय दुर्गम, कुकटपल्ली, एलबी नगर और मैलार देवपल्ली पुलिस स्टेशन में ये लोग डिटेक्ट किए थे। उसके बाद जो दूसरा गैंग है, अमानुल्ला खान गैंग, इसमें मोहम्मद सैफ अहमद और इसके साथ रिसीवर मोहम्मद असगर खान, अवीनुद्दीन, रिसीवर शेख सकलेन, रिसीवर मोहम्मद फारूक, ये लोग टोटल 21 व्हीकल्स रिकवर किए, व्हीकल्स का थेफ्ट किए, जिसका कीमत लगभग 40 लाख रुपीज है। मोडस ऑपरेंडी इस गैंग का बड़ा यूनिक है। सबसे पहले ये लोग अकबर और असगर, जो एक रेकी करते थे हैदराबाद में, जिस भी मोटरसाइकिल का डिमांड हो उसका डिमांड के मुताबिक रेसिडेंशियल एरियाज में जाकर रेकी करते थे कि कौन सा बाइक कहां पर है, और उसके बाद एक सही टाइम पर अपने पैर से एक बताए हुए तरीके से लॉक को ब्रेक करके और इग्निशन वायर को डायरेक्ट करके ये लोग उस बाइक को चोरी करते थे। तीसरा गैंग जो है अकबर और असगर का, जिसमें कि असगर और मनन की गिरफ्तारी हो चुकी है और अभी अकबर अभी भी एब्सकॉन्डिंग है, इसमें टोटल 41 केसेस, जिसमें कि फाइनेंस डिफॉल्ट के केसेस हैं, वो भी शामिल है। ये पूरे ऑपरेशन में हमारे लगभग मोहसिन गैंग से 15 बाइक्स, अमीनुल्ला गैंग से 21 बाइक्स, अकबर गैंग से 41 बाइक्स की रिकवरी हुई है। टोटल इसका कॉस्ट 1 करोड़ से ज्यादा का है। और इस ऑपरेशन में जिसका लीडरशिप हमारे डीसीपी नॉर्थ जोन कलमेश्वर ने किया, उनके साथ एम वेंकटेशम, एडिशनल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस गोपालपुरम, सीएच नेताजी, एडिशनल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस कारखाना, जी नरेश, एडिशनल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस बेगमपेट, एन संदीप रेड्डी, सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस कारखाना, एसएनजी अविनाश बाबू, सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस कारखाना, इन सबको हमारे तरफ से बहुत बहुत, जो हमारे एसीपी महाकाली है विनोद कुमार और एसएचओ मधुकर स्वामी, ये लोग का भी रोल इसमें काफी इंपॉर्टेंट रहा है। ऐसे मौके पे पूरे कम्युनिटी से हमारे तरफ से रिक्वेस्ट है,
कि नेनु सैतम कैमरा चला मॉडल कंप Thank you.